नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। लॉयंस क्लब एक ऐसा नाम जो समाज सेवा के क्षेत्र में सभी के जुबान पर रहता है। लॉयंस क्लब समाज सेवा में अपनी पहचान बनाने वाली अग्रिम संस्था है जो लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती है। ऐसे में लॉयंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 321B1 के नए सत्र 2024-25 की पहली कैबिनेट मीटिंग का आयोजन लखनऊ के दयाल गेटवे कन्वेंशन सेंटर किसान बाजार गोमती नगर में आयोजित किया गया, जहां बीते 1 जुलाई यानी नए सत्र की शुरुआत से किए गए खास कामों पर चर्चा की गई। साथ ही इस सत्र में पूरे साल के लिए बजट और कार्यों को निर्धारित कर जन सेवा का संकल्प लिया गया। साथ ही इस दौरान लॉयंस क्लब के कार्यों का लेखा जोखा भी लिया गया। इस सत्र की पहली पुस्तिका आशाएं के पहले संस्करण का विमोचन भी किया गया। इतना ही नहीं, इस दौरान सत्र 2024-25 की डायरेक्टरी का विमोचन भी किया गया। इस दौरान सभी लॉयंस साथी काफी उत्साहित नजर आए। बता दें कि इस आयोजन में मुख्य रूप से डिस्ट्रिक्ट 321B1 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लॉयन मुकेश जैन, फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लॉयन आरसी मिश्रा और सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लॉयन परमजीत सिंह, इसी के साथ चीफ डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट सेक्रेटरी लॉयन विशाल दीक्षित, चीफ डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट ट्रेजरर लॉयन मोहित बंसल और चीफ डिस्ट्रिक्ट पीआरओ लॉयन राजीव जैन प्रमुख रूप से मौजूद रहे। लॉयंस क्लब इंटरनेशनल की जो डिस्ट्रिक्ट 321B1 का जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, उसका डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हूँ लॉयन मुकेश जैन। 2024-25 के लिए हम लोगों का सत्र 1 साल का होता है, 1 जुलाई से शुरू होता है, 30 जून तक रहता है। चूँकि इंटरनेशनल संस्था है, 210 देशों में है। इंडिया में हम लोग जो हमारा मंडल है, ये बहुत ही बड़ा इसका क्षेत्र है। इधर आप बलरामपुर, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ होते हुए सीतापुर, लखीमपुर, शाहजहानपुर, फिर ये खटीमा से आए हुए हैं सब, हमारे काशीपुर, रुद्रपुर, नैनीताल तक फैला हुआ है। और इसमें हम लोग तरह तरह के सेवा कार्य समय समय पर करते रहते हैं। आज इस सत्र की पहली बैठक थी है, जिसमें सभी, आप देख रहे हैं, सभी क्षेत्र से लोग आए हुए हैं। आप लोग खटीमा से हैं, हमारे गोंडा, बहराइच, शाहजहानपुर और भी जगह से लोग आए हैं। लखनऊ के तो जो सदस्य हैं, इसमें हम लोग के पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स भी हैं, सारे कैबिनेट के मेंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं। हम लोग ने जैसे विश्लेषण किया कि हम संस्था को कैसे आगे बढ़ाएं, मेंबरशिप में कैसे ग्रोथ करें, फंड रेजिंग कैसे करें और सर्विस प्रोजेक्ट्स कैसे करें। आज आपने देखा होगा कि यहाँ पर अनाउंसमेंट किए गए प्रोत्साहन के रूप में कि हम क्लबों को सिलाई मशीन देंगे, मेंबर्स को सिलाई मशीन देंगे। तो वो एक उत्साहवर्धक होता है कि वो जब ये काम करेंगे तो उनको सिलाई मशीन मिलेगी और वो किसी गरीब को देंगे तो उसका जो है जीव और प्रजन जो है बढ़ेगा और उसका परिवार अच्छे से चलेगा। तो ये हमारी कैबिनेट मीटिंग थी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। मैं डॉक्टर आरसी मिश्रा, फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डिस्ट्रिक्ट 321B1 से बोल रहा हूँ। आपको पता है कि जब किसी भी लाइन्स कार्यक्रम में आते हैं तो लोगों को ये जानकारी नहीं होती कि लाइन्स क्या हैं, क्या करते हैं और इसका कौन संस्था है, कहाँ से बनती है, कहाँ तक काम करती है। इस संबंध में बता दूँ आपको कि लाइन्स क्लब इंटरनेशनल एक संस्था है जो कि 107 वर्ष पहले बनी थी, 1917 में मेलविन जॉन्स ने बनाई थी और तब से बराबर ये संस्था 107 साल से काम कर रही है। हमारे इंटरनेशनल काजेज हैं गरीबों की सेवा के लिए, 8 काजेज हैं। उन काजेज में फूड हंगर है, डायबिटीज़ है, पीडियाट्रिक कैंसर है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है। इनके लिए हम लोग जो है काम, ऐसे जो है उनके लिए काम करते हैं। तो उस काम करने का जो हमारा काम है, ये वर्ल्ड के 208 कंट्रीज़ में फैला हुआ है। हमारे 48,000 वर्ल्ड में क्लब हैं और साथ साथ में 14,000 हमारे मेंबर हैं जो कि लाइन्स की सेवा करते हैं। लाइन्स के कार्यक्रम में आपको सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जितने भी लोग आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, किसी पद पर हों, किसी को कोई लाइन्स क्लब से सैलरी नहीं मिलती है। सब लोग अपने खर्चे से जो है काम करते हैं, अपना समय निकालते हैं और गरीबों की सेवा करते हैं। और हम लोगों का मानना यह है कि साईं इतना दीजिए, जामे कुटुम समाए और मैं भी ना भूखा रहूं और साधु भूखा जाए। आप ये देखिए कि हमारी जो परंपराएं, हमारी जो प्रकृति है, जो हमारी देने की परंपरा है, वो मुझे वृक्ष से, बिना वृक्ष के हम जीवित नहीं रह सकते,
बिना पानी के हम जीवित नहीं रह सकते, उसके लिए लिया गया है कि वृक्ष कबहू नहीं फल भकें, नदी न संचय नीर, पर कारज के कारणे साधुन धरा शरीर, तरुवर फल नहीं खात हैं सरवर पिए न पान, कह रहीम पर काज हित संपत्ति सजई सुजान। जो हमारे पास पैसा है, जो हमारी आमदनी है, इसका कम से कम 10% 15% 5% हमें गरीबों के लिए रखना चाहिए, और यही हमारा नारा है। हमारा नारा है बी सर्व, हम लोग सेवा करते हैं और सेवा करके जो है गरीबों की का हम हेल्प करते हैं और उनका पुण्य मिलता है, पुण्य से हमें लीडरशिप डेवलप होती है और हम आगे निरंतर बढ़ते हैं, हमारा स्वास्थ्य भी बढ़ता रहता है, पॉजिटिविटी रहती है, सकारात्मक सोच रहती है, उससे हमारा पूरा व्यक्तित्व जो है निरंतर निखरता जा रहा है, जैसा कि हमारे व्यक्तित्व से आपको पता चलेगा। धन्यवाद। मैं परमजीत सिंह, सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 321B1 का, आज लखनऊ में अपने मंडल की प्रथम कैबिनेट बैठक आयोजित करी गई थी। बड़ी सफल कैबिनेट आयोजित मीटिंग थी ये, और जिसमें हम लोग के भी 13 दिनों में, जो 1 जुलाई से नया सत्र शुरू हुआ है, बहुत सारे क्लबों में ब्लड डोनेशन से लेके और ट्री प्लांटेशन, बहुत सारे सेवा के बड़ी संख्या में काम किए हैं, और आने वाले जो हमारा वर्ष है 30 जून तक जो हमारा है, उसका फर्स्ट कैबिनेट में उसका एक प्रोग्राम बना, बजट बना, और पूरे सालों साल पूरा लायनिज्म पीड़ित मानवता की सेवा के लिए तत्पर रहेगा, लगातार हर दिन काम करता रहेगा, और इस डिस्ट्रिक्ट को 321B1 को नई ऊंचाइयों पर लेके जाएगा, और कोशिश करेगा कि जहाँ जहाँ लायंस क्लब की कोई भी शाखाएँ हैं, वहाँ कोई भी दुखी ना रहे, चाहे वो कैटरेक्ट हो, चाहे ब्लड को लेके हो, चाहे फूड फॉर हंगर को लेके हो, चाहे चाइल्डहुड कैंसर को लेके हो, जो हमारे सोशल इंटरनेशनल के काज हैं, उस सारों पे हम लोग लगातार काम करते रहेंगे, और आप सबका सहयोग भी हम सबको मिलता रहेगा, और इस लायनिज्म को नई ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। धन्यवाद। मैं लॉयन विशाल सिन्हा, पार डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 321B1, साल 2024-25 में 2 GST का कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नायन मुकेश जैन जी, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इतने सुंदर आयोजन के लिए। फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग, एक रिकॉर्ड स्थापित हुआ, इतनी अच्छी गैदरिंग रही, इतनी बढ़िया मीटिंग करी, समय से मीटिंग शुरू की, समय से मीटिंग खत्म हो रही है, मैं उनको बधाई देता हूँ। मेरा जो GST है, ग्लोबल सर्विस टीम का मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, और जितने भी सेवा कार्य हमारे 8 ग्लोबल कॉज हैं, उन 8 कॉज पर जो क्लब काम करते हैं, उनकी सर्विस एक्टिविटी का मूल्यांकन मुझे करना है, और बाद में बताना है कि कौन सा क्लब सबसे ऊपर है, कौन सा क्लब सबसे टॉप पे है। मैंने आज GST के सर्टिफिकेट्स का भी अनवेल कराया है, जो कि मैं हर आने वाली प्रत्येक कैबिनेट मीटिंग में टॉप 10 क्लब्स को सम्मान करूंगा। और क्योंकि हम लोग का नारा वी सर्व है, सर्विस हम लोग बिलीव करते हैं, हमारे फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मिश्रा जी, सेकेंड वाइस डिस्ट्रिक्ट परमजीत जी, सभी श्रद्धेय पार डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, सबने मीटिंग में शिरकत की, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः लाइन मुकेश जैन, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इतने सुंदर उनके, धन्यवाद। लाइन डॉक्टर मनोज रोहेला, मैं हमारे मंडल 321B1 का 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हूँ, और इस वर्ष की मुझे जिम्मेदारी ग्लोबल मेंबरशिप टीम के कोऑर्डिनेटर के रूप में दी गई है। इसकी जिम्मेदारी का आभास मुझे है, क्योंकि हमारा काम होगा कि हम अपने मंडल के अंदर लायन मेंबर्स की संख्या में बढ़ोतरी कराएं। आज का कार्यक्रम हमारा लायनिस्टिक ईयर 1917 से बेसिकली शुरू हुआ है, और हम लोग हर वर्ष अपनी कैबिनेट मीटिंग, एक वर्ष के अंदर 4 कैबिनेट मीटिंग हम लोग करते हैं, और इस कैबिनेट मीटिंग में हम लोग किस प्रकार से मंडल को चलाना है, उन सब के बारे में अपने आए हुए लाइन साथियों से चर्चा करके उनकी संस्तुति लेते हैं कि हम लोग जो हैं अपने मंडल को सेवा कार्यों में आगे बढ़ा सकें, हम अपने मंडल को मेंबरशिप में आगे बढ़ा सकें। आपने देखा होगा कि कितनी बड़ी संख्या के अंदर हमारे आज लाइन साथी यहाँ मौजूद हैं, और हमारे आने वाले डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन मुकेश जैन जी ने ये प्रयास किया कि जो जो उनके सपने हैं, साथ साथ में कहाँ बैंक अकाउंट खोलना है, कैसे कैसे चीज़ों को चलाना है, ये सारा सब लायंस के सामने उन्होंने बातें रखी और लायंस से संस्तुति ली, और ये संस्तुति उन्होंने रख करके तब अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। ये सभी लोग जानते हैं कि 1 जुलाई से किसी भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का कार्यक्रम शुरू होता है और 30 जून तक चलता है, तो ये वर्ष की शुरुआत है, 15 दिन हुए हैं,
हमारे गवर्नर साहब ने इस छोटे से पीरियड के अंदर 3 लायंस क्लब की अभी तक बढ़ोतरी की है। आने वाले समय में कुछ और नए नए क्लब हम लोग खोलने का प्रयास कर रहे हैं। साथ साथ में हमारा प्रयास ये भी है कि अच्छे अच्छे सेवा कार्य हों और वो सेवा कार्य समाज में ऐसे लोगों के लिए हों जिनको वास्तविकता में आवश्यकता है, और जिन लोगों को आवश्यकता है उन तक पहुंचने के लिए हमारे पास में हाथ होना भी बड़े आवश्यक है। तो अभी हमारे मंडल में 2660 सदस्य हैं। हमारा प्रयास होगा कि इस वर्ष हम अपने मेंबर संख्या में बढ़ोतरी करते हुए कम से कम 3000 संख्या लेकर के जाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ज़रूरतमंद के बीच में पहुँच सकें। धन्यवाद। साथ ही साथ इस आयोजन में 30 और 31 अगस्त को उत्तराखंड में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की घोषणा भी की गई। इस दौरान लॉयंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 321B1 के सभी सम्मानीय गवर्नरों के साथ साथ लॉयंस क्लब के गणमान्य साथी उपस्थित रहे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।